जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की सबसे बड़ी टॉपिक है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2022। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हर साल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंतर्गत वैकेंसियां आती रहती हैं, लड़के फॉर्म डालते हैं, तैयारी करते हैं और भर्ती होते हैं। तो इस साल भी जो भर्ती आई थी, लड़कों ने फॉर्म जरूर ही डाला होगा और तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वो अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं। और मात्र 30 दिनों में कैसे तैयारी करेंगे घर बैठे, ये भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्या कौन से नोट्स, कौन से पीडीएफ, कौन से क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, बेस्ट बुक कौन सी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में एक नॉर्मल गाइड भी कर देंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है लास्ट में। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है बीएसएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी। आप कैसे आराम से घर बैठे 30 दिनों में ऐसे कर सकते हैं आसानी से अपनी तैयारी। ठीक है, और ये 2022 के एग्जाम पे पूरा सिलेबस डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि बहुत ही हिंदी सरल साधारण भाषा में आज हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डेली टाइमिंग रूटीन जो एक बताया जाएगा उसे अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय जो मार्केट में बुक ज्यादा चर्चे में चल रही है बीएसएफ कांस्टेबल की तैयारी करने की, जो बेस्ट बुक बताई जा रही है चुप्सू पब्लिकेशन की है। ठीक है, साथ ही में ये बीएसएफ कांस्टेबल की बुक के साथ साथ गाइड भी करती है, सारा सिलेबस भी इसमें शामिल किया गया है, सामान्य हिंदी, सामान्य रीजनिंग, मैथ, सब कुछ शामिल किया गया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 100%। ठीक है, और ये मार्केट में बुक अवेलेबल है चुप्सू पब्लिकेशन करके। और साथ में आप इसे ऑनलाइन लेना चाहें तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां से भी परचेज जाके कर सकते हैं, आसानी से होम डिलीवरी आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, और इसमें बता दें कि जो अपडेटेड करेंट अफेयर है उससे रिलेटेड सब कुछ जारी किया गया है, COVID-19 हर चीज़ है, बजट है जो पेश हुआ था, पुरस्कार सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग में आपका सारा टॉपिक है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में सारा टॉपिक है, उसके बाद आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको फ्री में एक दे देता हूँ, एक आध दो पेज का होगा, मुझे आशा है 10-12 पेज का होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी जाएगी, वहां से भी जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था जो मेन तैयारी कर रहे हैं लड़के, किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। तो आपको डेली सिर्फ आपको यहाँ पे 2 घंटे इसके लिए निकालना है अपनी तैयारी के लिए। आप एक महीने में 30 दिन में अगर 2 घंटे निकालते हैं तो आप टोटल 60 घंटे प्रिपरेशन करना है। और ये जो मार्केट में गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, इसी को आप चाहें तो हल करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और कोचिंग भी करते हैं तो और ही बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, साथ में रूम पे, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोग को 2 चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, कि आप कितना टाइम ले रहे हो, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, कहाँ आपकी कमियां हैं, किस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी किस क्वेश्चन को तैयार करना है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना ही कि सवाल लगाना, सवाल लगाने के बाद पेपर को एनालिसिस करना कि क्या क्या आपको नहीं आया है, क्या क्या आपको सीखना है। ठीक है, ये बातें जरूरी है। और ये वाली पढ़ाई वाला समय शांति का माहौल में कीजिएगा, जैसे मॉर्निंग में आप आराम से 6 बजे से पहले पढ़ लो, क्योंकि आजकल तो मार्च अप्रैल के बाद तो ये सब जल्दी सुबह हो जा रही है। ठीक है, और आप शाम को 7 या 8 बजे के बाद बैठ सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्टडी टाइमिंग रहनी चाहिए। ठीक है, जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसेस था, रनिंग, डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, एग्जाम, मेडिकल ज्वाइनिंग, इन पे वीडियो बनी है, आप लोग जाके आगे भी देख सकते हैं। और बेस्ट बुक के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। ठीक है, उसके बाद और आप लोग का पहले इसका रनिंग होता है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर ट्रेड टेस्ट निकाल लेते हो, तो उसके बाद एग्जाम, बुक्स और फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट हमेशा 10,000 के अंडर ही आती है, नीचे ही आती है। सैलरी हमेशा 28 से 60,000 के बीच में रहता है। एज लिमिट इसकी 18 से 28 साल होती है, साथ ही साथ कुछ छूट भी मिलती है, तब जाके 28 होती है, नहीं तो 23, 24, 25 तक ही रहती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और भी रनिंग 5 किलोमीटर, डॉक्यूमेंट में टेंथ का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड मेन होता है, ट्रेड टेस्ट, कुक का, सफाई का, जो भी आप ट्रेड डाले होते हो ट्रेड, उसका देना रहता है। एग्जाम में आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी शामिल होता है। मेडिकल समय आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, होने के बाद आपके घर पे आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी जो कोई भी इतने शॉर्ट में नहीं देगा यूट्यूब पे, मैं आपको बता देता हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये जो बुक आप लोग को शो किया है, दिखाया गया है यहाँ पे, तो इसमें आपको हर चीज़ शामिल किया गया है, इसलिए मैंने इस बुक को दिखाना खास समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल के जो क्वेश्चन
पेपर हुए हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, और इस साल जो नए क्वेश्चन पेपर बनने चाहिए वो भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, और भी आप लोग के दिमाग में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा अपनी तैयारी से लेके, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पर जाके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। आगामी कॉन्स्टेबल या डिफेंस की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपकी पास जो नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले चली जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।